हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑन 10 में। आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, धोतवा दाल। जी हाँ, यह धोतवा दाल है। यह रेसिपी जो है हमारी उड़द दाल से मिलकर बनती है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए हम यूज करेंगे 500 ग्राम उड़द की दाल, जिसे काली चिल्का दाल भी कहा जाता है। यह हम साबुत नहीं लेंगे, आधी हम पीसी जो है लेंगे, छिलका सही जो है इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, छिलका हम निकाल देंगे। लगभग इस दाल को 500 ग्राम हम लेंगे, पूरी रात भीगने के लिए रखेंगे, या फिर आप 4-5 घंटे के बाद भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो प्रोसेस है हमारा वह है दाल धोने का। तो इस बर्तन में हमने दाल भीगने के लिए डाली थी, तो पहले हम चेक कर लेंगे। देखिए, छिलका जो है लगभग अलग हो भी चुका है। पहले हम हाथों से ही ऐसे दाल को मस लेंगे, ताकि छिलका जो है और आसानी से सभी दानों से अलग हो जाए। यह जो आप दोनों हाथों से में बीच में जो है रगड़ कर अलग कर सकते हो। तो इस तरह से छन्नी में जो है पानी भी निकाल लेंगे, और साथ ही में छिलके भी इस तरह से नीचे जो है निकल जाते हैं। अब हम एक बड़े से बर्तन में पूरी दाल को डालेंगे। दोनों हाथों से जो है आप ऐसे मसल सकते हैं, या एक हाथ से भी कर सकते हो। और इस तरह से हम पानी को नीचे निकाल देंगे, और इसके साथ जो है छिलके भी नीचे निकल जाते हैं। पानी जो है फ्रेंड्स, हम हर बार नया लेंगे, साफ पानी लेंगे। लगभग 5-6 बार धोने से जो है दाल इस तरह से हमारी हो चुकी है, छिलके बह गए हैं, और पानी जो है इस तरह से हमने नीचे निकाल कर उनके साथ उनको निकाल दिया है। तो इस तरह से जो हम पानी दाल को इस बर्तन में निकाल देंगे, और एक बर्तन में पानी के अंदर ही दाल को भीगने के लिए रखेंगे। और इस रेसिपी में जो मसाले यूज किए जाते हैं वो है तेजपत्ता, नमक, अजवाइन, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, लाल मिर्च, छोटी इलायची, जीरा, मेथी, धनिया पाउडर और हल्दी। यहाँ हम खड़े मसाले भी यूज़ करेंगे, और साथ में पाउडर भी, पाउडर के फॉर्म में भी इन मसालों को यूज़ करेंगे। और साथ ही में इम्पॉर्टेंट हम लेंगे एक हींग। सबसे पहले हम खड़े मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, एक बर्तन में डाल देंगे इनको। लगभग 2-3 मिनट जो है हम इन मसालों को भून लेंगे धीमी आंच के ऊपर, जब तक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, और इन मसालों का रंग जो है हल्का ब्राउन सा कलर ना हो जाए। ऐसे चम्मच से हिलाते रहेंगे, ताकि यह नीचे से ना जले। जब हमारे मसाले जो अच्छे से भून जाए, तो एक प्लेट में हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। बाद में हम ग्राइंड करेंगे और इन्हें यूज़ करेंगे। तब तक इस दाल से हम पानी निकाल देंगे, एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। और तो इस तरह से हमारी दाल जो है वो भी है रेडी बनाने के लिए। और एक बड़े से बर्तन में हम देसी घी हम यूज़ करेंगे, आधा कटोरी। ज़्यादा घी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यह दाल घी में ही पकती है, पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। सबसे पहले हम जब गर्म घी जो है तेल गर्म हो जाए, उसमें हींग डाल देंगे, तेज़पत्ता भी हमने डाल दिया है, दालचीनी जो क्वांटिटी हमने आपको बताई है वही हम डाल रहे हैं, और साथ ही में इलायची, लौंग, काली मिर्च, हरे मसाले भी हम थोड़े से डाल देंगे। बाकी का हम जो है पाउडर हम यूज़ करेंगे, उनको ग्राइंड करके, तो हमने मसाला ठंडा होने के लिए रखा है। और साथ में हम लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक भी डाल देंगे। यहाँ पर आप गैस की आग जो है लो ही रखिएगा, बिल्कुल कम रखिएगा, ताकि ये मसाला जो हमारा जले ना। 2-3 मिनट के लिए हम अच्छे से इनको पका लेंगे, फिर ध्यान से दाल को इस बर्तन में डालेंगे। ध्यान रहे दाल में पानी ना हो। पूरी दाल डालने के बाद जो हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
ताकि इन मसालों का पूरा फ्लेवर जो है इस दाल में चला जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे, बीच बीच में कच्ची से चलाते रहेंगे ताकि जो है यह दाल जले ना। और इस दाल को पकने के लिए लगभग 30 मिनट लगते हैं। दो तीन हम साबुत लाल मिर्च भी डाल देंगे, पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यह दाल सिर्फ घी में ही पकती है। अब जो हमने मसाला गर्म किया था, भुना था, उसको हम जो है ग्राइंड कर चुके हैं और इसमें जो है हम अब जब हमारी दाल जो है आधी पक सी जाए 15-20 मिनट के बाद जो हम एक चम्मच इसमें मसाला भी ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी दाल हमारी आधी से ज़्यादा जो पक चुकी है, थोड़ा और पकाएंगे हम। लगभग इस दाल को पकने के लिए आपके जो है 45 मिनट्स लगते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। बीच बीच में चेक करते रहें। तब तक हम इस दाल को पकाएंगे जब तक कि इस दाल से घी छूटकर अलग ना हो जाए। जब दाल से घी अलग हो जाए तो समझ जाए कि दाल हमारी पक गई है। अब जो है फ्रेंड्स, ये आपकी दाल जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। धोतवा दाल कहा जाता है इसे। इस दाल को हिमाचली धाम, मतलब कि जो भी फंक्शन यहाँ पे होते हैं वहाँ पे इस दाल की स्पेशल डिमांड होती है। हिमाचली धाम, ट्रेडिशनल धाम में इसे यूज़ किया जाता है। उड़द दाल से हमारी दाल बनती है। धोतवा दाल बहुत ही फेमस रेसिपी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।